रणवीर कपूर के रूप में संजय दत्त नजर आएंगे संजू में। जी हाँ, संजय दत्त की बायोपिक। वो संजय जिनकी जिंदगी कॉन्ट्रोवर्सियल मानी जाती है, और इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी मानी जाती है साल 1993 के बम धमाकों में संलिप्त होना। क्या था मामला संजय दत्त का, कितनी बार जेल गए, कब कब जेल गए और कब क्या हुआ, सब कुछ जानिए इस वीडियो रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। दरअसल साल 1993 में 12 मार्च को मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इसके पीछे कई बॉलीवुड हस्तियों का नाम सामने आया था और इन्हीं में सबसे ऊपर था संजय दत्त का। संजय दत्त को अबू सलीम और रियाज सिद्दीकी से अवैध बंदूकों की डिलीवरी लेने, उन्हें रखने और फिर नष्ट करने का दोषी माना गया। टाडा अदालत में पेश सबूतों के आधार पर ये हथियार उस जखीरे का हिस्सा थे जिन्हें बम धमाकों और मुंबई पर हमले के दौरान इस्तेमाल किया गया था। हालांकि संजय दत्त ने अदालत को दिए बयानों में कहा था कि मैं अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इन हथियारों को रखने का यही कारण था, मैं घबरा गया था और कुछ लोगों के कहने में आकर मैंने ऐसा कर लिया था। 1993 वो वक्त था जब संजय थानेदार, सड़क, साजन और खलनायक जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बन चुके थे। संजय दत्त को पहले 1993 अप्रैल में गिरफ्तार किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1995 में बेल पर रिहा किया, लेकिन 2 महीने के बाद दिसंबर 2095 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पिता सुनील दत्त ने उनकी रिहाई की कई कोशिशें की, वहीं पर कई राजनीतिक नेताओं ने भी बॉलीवुड की हस्तियों समेत उनके पक्ष में बयान दिए थे। बहरहाल लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद 1997 में उन्हें फिर जमानत मिली, लेकिन 2 साल का ये लंबा समय था और इस दौरान संजय ने करियर और पिता सुनील दत्त ने राजनीति में काफी कुछ खो दिया था। संजय के केस की सुनवाई अब साल 2006 में होनी थी। साल 1997 से साल 2006 के बीच संजय ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, इनमें दुश्मन, वास्तव, कांटे, मुन्ना भाई एमबीबीएस और परिणीता जैसी फिल्में शामिल हैं, और इन्हीं फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड की पहली पंक्ति में पहुंचा दिया था। 31 जुलाई 2007, जी हाँ, ये वो डेट है जब टाडा कोर्ट ने अभिनेता संजय दत्त को 6 साल की सजा सुनाई। तो उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए हथियार रखने की दलील दी, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। इसके बाद संजय दत्त का जेल जाने और आने का ऐसा सफर शुरू हुआ जिसकी आलोचना सभी जगह हुई। 31 जुलाई को सजा सुनाए जाने के बाद संजय दत्त साल 2007 में 2 बार जेल से जमानत पर बाहर आए और वापस गए। ये सिलसिला तब थमा जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। साल 2007 वही समय है जब संजय की फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई सुपरहिट हो गई थी और वो शूट आउट एंड लोखंडवाला में एक ईमानदार एसपी का किरदार निभा रहे थे। इस दौरान साल 2009 में संजय को समाजवादी पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ने का भी प्रस्ताव मिला, लेकिन अपने मामले को लेकर अनिश्चित संजय ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था। उसके बाद उनके फिल्मी करियर में भी एक फॉल आया था। संजय की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, फिर खराब फिल्मों से जूझते संजय को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी करार दे दिया। वहीं पर साल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए संजय को 5 साल की सजा सुनाई। इसके बाद एक बयान में संजय ने कहा, जो भी सजा मिली है मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ लेकिन एक राजनीतिक परिवार से जरूर हूँ, शायद इसीलिए निशाने पर हूँ। संजय को दी गई सजा के खिलाफ बॉलीवुड के कई निर्माताओं ने अपील की थी क्योंकि उन पर कई करोड़ों की फिल्मों का भविष्य टिका था। संजय के जेल जाने के बाद विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, केएस रवि कुमार, अपूर्व लाखिया जैसे कई निर्माता निर्देशक भारी नुकसान उठाने वाले थे। राजकुमार हिरानी ने कहा था, कानून सबसे ऊपर है लेकिन इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी फैसले से फिल्म निर्माताओं के पैसे खराब ना हो या किसी तरह से इनकी भरपाई हो। हालांकि अदालत ने ऐसी किसी भी अपील को मान्यता नहीं दी और संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 1 महीने का समय दिया। इस दौरान संजय दत्त ने अपनी रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी की। संजय दत्त जेल जाने के बाद भी विवादों में रहे। ये विवाद तब शुरू हुआ जब उन्हें पैरोल पर बाहर आना शुरू किया। संजय दिसंबर 2014 को अपनी पत्नी मान्यता की खराब तबीयत की बात कहकर बाहर आए और फिर उनकी पैरोल 3 बार बढ़ाई गई। इसे लेकर मीडिया में काफी सवाल उठे और ये विवाद इतना बढ़ा कि महाराष्ट्र सरकार ने पैरोल के नियम सुधारने के लिए प्रस्ताव भी सदन में रख दिए। वहीं पर एक बार संजय जब फर्लो नियम के तहत बाहर आए तो उन्होंने मीडिया को अपने 6-पैक एब्स भी दिखाए। संजय ने कहा था, मैं जेल में वजन घटा रहा हूं और मैंने लगभग 16 किलो वजन घटा लिया है। और इस तरीके से संजय दत्त की ये पूरी जेल कहानी रही। किस तरीके से मामले में फंसे, कब कब उन्हें जेल जाना पड़ा और किस दौर से गुजरे, ये सब कुछ संजय दत्त की आने वाली बायोपिक संजू में नजर आने वाला है, जहां पर संजय का किरदार निभा रहे हैं रणवीर कपूर साहब, जिन्होंने अपने आप को हूबहू संजय के रूप में ढाल लिया है। वहीं इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं राजकुमार हिरानी। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं और हर तरफ सिर्फ इसी टीजर की चर्चा है, यानी कि संजय की सारी कहानी बयां होने वाली है फिल्म
संजू में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।